चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जयपुर से सबसे पहले एक अहम जानकारी आप तक पहुंचा दें। दरअसल टैन डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि जिंदल के खिलाफ मामला दर्ज। 14 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म का आरोप है। रवि जिंदल के घर पर ही बालिका रहती थी। बच्चों को संभालने के लिए बालिका को रखा गया था। बीती रात बालिका के परिजनों ने थाने में पहुंच के शिकायत दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए रात को करवाया गया पीड़िता का मेडिकल। विद्याधर नगर थाना प्रभारी राकेश ख्यालिया पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। बेहद गंभीर आरोप लगा है और अपने आप में बेहद गंभीर मसला, क्योंकि रवि जिंदल और उनके घर पर ही बालिका रहती थी, उनके बच्चों को संभालने के लिए रखा था। लेकिन सवाल ये कि महज 14 वर्षीय बालिका थी, क्या ये लीगल था और किस तरीके के प्रोसेस के तहत उस बच्ची को रखा गया था? 14 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया, शर्मनाक मामला, और बड़ा नाम है रवि जिंदल। दरअसल टेंट डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं रवि जिंदल और उनके खिलाफ बेहद संगीन गंभीर आरोप लगा है। और अगर ये आरोप सिद्ध हो जाता है तो अपने आप में बेहद गंभीर मामला है, शर्मनाक मामला है, इसे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। सहयोगी सत्यनारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। सत्यन, वाकई में बेहद गंभीर और शर्मनाक मामला है, एक बार फिर से आपसे विस्तार से समझना चाहेंगे। मामला दर्ज हो चुका है, मेडिकल हो चुका है बच्ची का, विस्तार से जरा बताइए अपडेट क्या है। काफी शर्मनाक मामला सामने आया है राजधानी के विद्यालय थाना इलाके से, जहां पर टेन डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि जिंदल, जो काफी बड़ा नाम है अपने आप में, उनके खिलाफ ये आरोप है कि उन्होंने अपने ही घर में रहने वाली 14 वर्षीय मासूम को अपना शिकार बनाया, उसके साथ दुष्कर्म किया, उसके बाद में उसको जान से मारने की धमकी भी दी। ऐसे में बीती रात जो पीड़िता थी अपनी नानी के साथ थाने पहुंची, आप बीती बताई, उसके बाद में तुरंत प्रभाव से मामला दर्ज हुआ है। हालांकि पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए रात कोई पीड़िता का मेडिकल करवाया था, जिसकी रिपोर्ट अभी थोड़ी देर बाद में आएगी। आज पीड़िता के 164 के बयान जो होने हैं। हालांकि इस घटना के बाद लोग विरोध जता रहे हैं रविशंकर का, कुछ लोग थाने पहुंचे हैं कि इस बारे घटित घटना होती है, लेकिन अभी तक पुलिस ने उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया। तो ऐसे में पहले 164 के बयान होंगे, उसके बाद में जो पीड़िता की रिपोर्ट आएगी, मेडिकल रिपोर्ट आएगी, उसके पुष्टि होने पर जो आरोपी अगर बनता है रविशंकर, तो उसकी गिरफ्तार किया जाएगा। पूनम सत्रन, जरा परिवार के बारे में बताइएगा, और जिन बच्चों को संभालने के लिए महज 14 वर्षीय बच्ची को रखा गया था, वो बच्चे कितने बड़े हैं, बच्चों में भी क्या लड़का है लड़की है, जरा ये बताइए। और जो 14 वर्षीय बच्ची को रखा गया था, क्या वो लीगल प्रोसेस के तहत रखा गया था? किसी भी नाबालिग, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको किसी भी घर के काम में या दुकान के काम में हम नहीं ले सकते, ये कानून के सम्मत नहीं है। ऐसे में जो पीड़िता है उसने बयान दिया कि रवि जिंदल के बच्चों को संभालने के लिए घर में रखा गया था, वो बच्चों का साथ संभाल करती थी। और हालांकि उसकी पूरी पारिवारिक जो हिस्ट्री अभी तक नहीं आ पाई है, लेकिन पीड़िता ने भी आरोप लगाया कि रवि जिंदल ने मेरे साथ दुष्कर्म किया है और मुझे जान से मारने की धमकी भी दी, क्योंकि छोटी बच्ची है, मासूम बच्ची है। तो ऐसे में पुलिस के सामने उसने अपने बयान भी दिए कि हाँ, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है। जो पीड़िता की नानी थी वो बच्ची को लेकर थाने पहुंची थी, पुलिस ने मामले की गंभीरता देखी और तुरंत प्रभाव से मामला दर्ज कर लिया है। माना जा रहा है कि आज शाम तक इस घटना के अंदर गिरफ्तारी हो जाएगी, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट भी आनी बाकी है, मेडिकल रिपोर्ट भी आ जाएगी। 164 के बयान होने के बाद में पुलिस पर कार्रवाई करते हुए करेगी। बिल्कुल। और रवि जिंदल के बच्चों पर क्या कुछ बीत रही होगी, परिवार पर क्या बीत रही होगी, ये भी अपने आप में बेहद गंभीर मसला बन जाता है। बहुत शुक्रिया, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे सत्य।